मैं अपने घर से भाग कर और सबको बिना बताए तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। तुम क्या कर रहे हो आजकल? बड़ी ठाट बाट है, सुना गाड़ी भी ले ली है। जी खाला, मैं उसी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। वो सेमेस्टर की आज लास्ट डेट है, फीस जमा करवानी है। अगर आज भी ना करवाई तो जुर्माना लग जाएगा। हमें मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, लेकिन ये बस लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी बहन है आप हमारी, और आप हमारी जिम्मेदारी हैं, कोई बोझ नहीं। लाइए दीजिए हमें वाउचर, और ख्याल रहे आइंदा कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। सॉरी भाईजान, हम दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। वाउचर कमरे में पड़ा है, हम लेके आते हैं। क्या बात है, क्या इरादा है आपका? कितना पढ़ाना है इफ्रा को? इफ्रा की अपनी मर्जी है, जितना चाहे पढ़े, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। देखिए बुरा मत मानिएगा, जो हालात हैं उसमें इफ्रा के हर सेमेस्टर की फीस देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वैसे भी खुदा ना खास्ता हमने इफ्रा से कोई नौकरी तो नहीं करवानी ना। कुछ भी हो, आखिरकार उसकी शादी होनी है और उसने चूल्हा हांडी ही करना है। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आप इफ्रा को किसी मामूली सी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दें तो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। खामोश हो जाएं अभी। इफ्रा की पढ़ाई या कोई और बात, आपको कुछ कहने की जरूरत है? इफ्रा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत है। और वैसे भी उसके सारे खराजात हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप नहीं। उसका लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है या नहीं ये उसका अपना फैसला होगा। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जान ये लीजिए। शिकार कैसा? नया नया जाल में फंसा है। फिलहाल तो जाल की रंगीनी और उसकी खूबसूरती में डूबा है, मेरे अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे शक तो नहीं हुआ ना? शक कैसा, फिलहाल तो मेरी मोहब्बत के यकीन के नशे आंखें बंद कर डूबी हुई। और वैसे मैंने उसे डरा दिया तो कोई गलती नहीं। पुराने पंछी को आजाद कराने का वक्त आ गया। तो ठीक है, आप पिंजरा खोल दो, कुछ तो हमें भी करना ही। बेचारी माँ बता रही थी कि उसके मामा डैडी ने हमारे जाने से पहले एक पार्टी रखी। ठीक है माँ, ऐसी पार्टी अटेंड करते हैं,
फिर इस शहर को आए। कितना कचरा करते हैं ये जानवर, समझ नहीं आती मुझे क्यों करते हैं, इनका दिल करता है करने को कचरा। तो कमर का दर्द ले बैठा मेरे को। ऊपर से गर्मी देखो जरा। एक तो काम के वक्त ये निगोड़ वाला फोन भी बंद पड़ता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे? अम्मा ये मैं हूँ सुमी। हाय, आज शुक्र है कि तेरी आवाज सुनने को मिली। अरे ये बता, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया ना? हाँ, कल हमने कोर्ट में जाके निकाह कर लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुझे उसने अपने घर का किया। अरे ये बता कि हक मेहर में क्या क्या लिखवाया? 30 लाख रुपए और एक बंगला मेरे नाम किया है उमर ने। और तुझे पता है मुंह दिखाई में मुझे उसने इतनी हसीन चेन दी है। 30 लाख? हाय, मैं तेरे सदके चली जाऊं, तेरे वारी हो जाऊं। अच्छा ये बता कि तू है कहाँ और ये कौन से नंबर से फोन कर रही है? अम्मा मैं किसी बड़े से होटल के सुइट में हूँ और मेरा नंबर बंद हो चुका है। हाय, तो फिर मैं तेरे से बात कैसे करूंगी ये तो बता। अम्मा समझा करो ना, उमर ने मेरा नंबर बंद करवा दिया। अब जब तक मेरी अपनी फैमिली से सुलह नहीं होगी मेरा नंबर नहीं ऑन होगा। हाय हाय, चल तेरी खातिर ना दिल पे पत्थर रख लूंगी मैं इस बात पर भी। अम्मा तू ये जो है ना पुरानी फिल्मों की हीरोइन मत बना कर, मुझे जब मौका मिलेगा मैं खुद ही फोन कर लिया करूंगी तुझे। पता है खुद तो अमीर आदमी से शादी करके बैठ गई, और मैं, मेरा क्या होगा और मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा ये बता तू। अम्मा अभी तो तुझे पैसे देकर आई थी। अच्छा खैर, ज्यादा जरूरत हो तो वो मानूर वाला नेकलेस है ना, वो जाके सराफा बाजार में बेच देना। मैं आहिस्ता आहिस्ता उमर की जेब में से पैसे निकलवाती रहूंगी और तुझे मनी ऑर्डर करवाती रहूंगी। अम्मा दिल छोटा मत किया कर। अच्छा पर जो भी करना है ना जल्दी से हथिया ले उससे। तेरी खातिर उसने बीवी को छोड़ के तुझसे शादी की है और घर वालों को भी छोड़ दिया है। अब जो कुछ ले सकती है ना जल्दी से समेट ले, बस मैं तुझे कह रही हूँ। बस मेरी बेटी तू जीती रहे और खुश रहे, मेरी तो दिल से ये दुआ है। अम्मा उमर से मुझे अभी बहुत सारे काम लेने हैं, उसकी सारी दौलत अपने नाम करवानी है। तू और मैं इस दौलत को अपनी मर्जी से खर्च करेंगे और मैं तुझे पूरी दुनिया घुमाऊंगी। बस आखिर में ना मुझे मेरी बेटी हज करवा दियो कि मैंने जितने सारे थोड़े से मतलब गुनाह किए ना उनकी माफी मांग लूंगी। बस तू जीती रहे, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है मेरा बेटा। अच्छा अम्मा कर लेना आज। चल मैं फोन रख रही हूँ और अगर कोई आसपास ना हुआ तो मैं खुद फोन करूंगी, तू मुझे फोन मत करना ठीक है? अपना ख्याल रख। चल मेरा बेटा तू खुश रहे, बस अल्लाह ताला ने तुझे अपने घर का किया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई तुमने जो भी शॉपिंग करनी है जल्द से जल्द कर लो, हमारे पास अब वक्त कम है। क्या मतलब? आपने टिकट्स करवा लिए हैं? करवा लिए हैं तभी तो कह रहा हूँ। क्या डेट है? 24th of this month। What? यानी कि सिर्फ 4 दिन बाद? उमर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप पूरा एक हफ्ता मुझे मॉम डैड के पास रहने देंगे। फिकर मत कर, पूरी लाइफ आराम से अपने मामा पापा के पास ही रहना। यार कुछ नहीं, वो डैड की वजह से जल्दी करना पड़ रहा, लेकिन तुम फिकर मत करो, वहाँ क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी और तो वापस आ सकती है अपने पेरेंट्स के पास। सच? हाँ। चले ये भी ठीक है। तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो, कल मैं तुम्हें तारिक अंकल के यहाँ छोड़ा। हाँ मैं सोच रही हूँ कल वहीं से मॉम के साथ ही शॉपिंग के लिए भी चली जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसी बहाने तुम्हारी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और मंडे तक वापस आ जाना। अरे मुझे उससे याद आया, मॉम ने एक पार्टी का प्रोग्राम भी बनाया है। हाँ तो उनसे कहो ना कि 24th से पहले रख लें, फिर हमें भी तो यहाँ पैकिंग वगैरह करनी है ना, so we'll need time. हाँ you're actually right. चले पहले मैं अपने कपड़े वगैरह पैक कर लेती हूँ, फिर मामा को कॉल भी कर लेती हूँ, आती हूँ। All right.
मामा के पास ही रहूंगी। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले राफिया का फोन आया था। क्या बताएं मैं, आजकल खाला का कुछ ज्यादा ही फोन आ रहा है। जी 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 जी, अभी तो सिर्फ फोन आए हैं, थोड़ा सा सबर कीजिए, वो खुद भी तशरीफ लाएंगे। अदीना, मुझे ये तंजिया अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। वो राफिया बता रही थी कि मानूर और उसके शौहर इस महीने की 24 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं। बहुत बड़ी दावत रखी है, सबको बुलाया है। खाला को तो अपनी दौलत और मानूर की शादी के बाद उसकी नुमाइश का मौका चाहिए, और अल्लाह के फजलो करम से उनको ये मौके मिलते रहते हैं। अल्लाह जाने दूसरों को नीचा दिखा के कौन सा सुकून मिलता है। चुप हो जाओ बेटा। अम्मी वो 24 को तो जावेद उम्रे पे जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा सकूंगा आपके साथ, मुझे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना होगा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है मैं तो मानूर के घर ही जाके मुलाकात कर लूंगी। अच्छा मुझे याद है, मुझे उस्ताद जावेद ने काम कहा था, मुझे वो भी करना है, मैं आता हूँ। अरे भाई आप, कुछ काम था आपको? वो आप बता रही थी कि आपके लास्ट सेमेस्टर की फीस रह गई है। जी भाईजान। ये ले, कल ही जाकर अपनी सेमेस्टर की फीस जमा करें। लेकिन भाईजान ये तो हमारी फीस से कहीं ज्यादा पैसे हैं। हम जानते हैं, ये इजाफी पैसे हमने आपको आपके लिए दिए, आप जाकर कुछ अपनी पसंद से खरीद लीजिएगा। लेकिन भाई हमें अपने लिए कुछ भी नहीं लेना। अरे गुड़िया कैसी बातें कर रही हैं आप, ये पैसे अपने पास रखें और बल्कि आज ही जाकर अपनी पसंद के कपड़े और जूते खरीद लीजिएगा, और हम जानते हैं आप हमें इनकार नहीं करेंगे। अब तुम वाकई मुझसे दूर जा रही हो, यहाँ थी तो तुम्हें देखने, तुम्हारी आवाज सुनने की उम्मीद तो थी, मेरा पागलपन तो था, तुम किसी और की, पर मैं अब भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, मैंने सबको अपने दिल में बसा के रखा, छुपा के रखा। तुम चली जाओ, बहुत याद है। उमर हम लोग रेडी हैं। हाँ ठीक है, अब फिजा से कहें वो आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़ देंगे। वैसे हमें यहाँ पे अपनी शनाख्त और पहचान की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़नी होगी। डोंट वरी, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इस सब का बंदोबस्त कर चुका। तुम कब तक आओगे? आई गेस यही कोई एक दो दिन, मैं ज्वाइन करता हूँ आप लोगों। फिजा के साथ इस शहर में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरा ख्याल है कि फिजा को हमारे साथ ही चलना चाहिए। That's a good idea. हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नए शहर में अपने काम से रिलेटेड हम किसी पर भरोसा कर नहीं सकते, तो फिजा से मैं फोन पर कोऑर्डिनेट कर लूंगा, और हाँ उसका वहाँ पर होना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा चलो बाकी बातें बाद में कर ले, ऐसा ना हो कि महानूर के घर वालों में से कोई यहाँ आ जाए। बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, खाना बहुत मजेदार था, सब अपने बेडरूम में बड़े मजे से सो रहे हैं। यो मॉम ठीक है, हमें एहतियात करनी चाहिए, ऐसा ना हो ऐन वक्त पे कोई गलती हो जाए। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिलहाल ये अमानत है फिजा की, उसके हवाले कर दो। सी यू गाइस। ओके बाय बाय।
बस ये पैकिंग कर लो और फिर सो जाओ, सुबह एयरपोर्ट के लिए भी निकलना। एक बात पूछूं? जब तुमने मानूर को उसके घर छोड़ा, उसने कुछ कहा क्या? यार मानूर कहां से आ गई बीच में? इस वक्त तुम और मैं साथ हैं, उसको एंजॉय करो ना। अच्छा ओके ओके, नहीं पूछ रही। गौहर आंटी को बता दिया हमारी शादी का? अभी नहीं, अभी अगर मॉम और डैड को बताया तो मुझे डर ये है कि कहीं वो हमें आ की ना कर दे। एनीवे ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे रही हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत और खिदमत से उन्हें अपना कर लूँगी। ठीक है, हो गई पैकिंग? हाँ हो गई। अब जल्दी से शावर ले लो और सो जाओ। ठीक है। ना जाने ये लड़की कहाँ गायब है, नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा है इसका। कल भी इसे पार्टी का बताने के लिए फोन किया, तब भी इसका नंबर बंद था और अब भी नंबर बंद है, पता नहीं कहाँ है ये। मामा उमर के साथ एयरपोर्ट पर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं अम्मा मैं बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप तो ऐसे बोलने लग जाती हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, कोई छोटी बच्ची हूँ। मुझे भी घर चलाना आता है, मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। अरे नहीं अम्मा बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आप मेरी बात को समझती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप यहाँ बैठी हैं? अरे आप आज तो बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए, और ये मुस्कुराहट इसकी क्या वजह? भाई बात ही खुशी की है। अरे वाह, अब इतने खूबसूरत गजरे लाए हैं तो पहना भी दीजिए। आज एक सौदे में ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। हाँ? आपको बताया था ना मैंने वो कमर्शियल प्लॉट का, वो आज पिक किया। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, शुक्रिया इन गजरों के लिए। अब इसी खुशी में आप अपनी बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। पता है मैंने बहुत सारे लॉन के सूट देख रखे हैं, और उनके साथ मैंने क्लचेस भी लेने हैं और मैचिंग के सैंडल्स। ये इफ्रा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उसे तो रहने ही दें, पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से कमरे में सरमू लपेटे लेटी हुई है।